मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में चीन के तमाम खुफिया स्टेशन बंद कर दिए गए। कैनेडियन पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि अपने लोगों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। नाम निहाद पुलिस स्टेशन को बंद करने के लिए फैसला कौन कार्रवाई की है। कैनेडियन हुकूमत की हमला तर्ज के आतिशी असलहे पर पाबंदी की तजवीज़। कैनेडियन मार्केट में आने से पहले बंदूकों की सही दर्जाबंदी की जाएगी। आतिशी असलहे की मशवरती कमेटी को बहाल करने का भी इरादा। यूक्रेन में लड़ने वाले दो कैनेडियन शहरी रूसी हमले में मारे गए। दोनों अफराद पहले कैनेडा की मुसल्ह अफवाज में खदमात अंजाम दे चुके थे। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा का कहना है कि मजीद मालूमात के लिए हुक्काम से रबते में है। बाखमौत में 20,000 से ज़ायद रूसी जंगजू हलाक हो चुके, अमरीका का दावा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन अब बाखमौत के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर कंट्रोल रखता है। बाखमौत में 80,000 रूसी फौजी भी जख्मी हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मैंडिचिनो का कहना है कि RCMP ने नाम निहाद पुलिस स्टेशंस को बंद करने के लिए फैसला कौन कार्रवाई की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल के इलाके के दो कम्युनिटी ग्रुप्स जो मुबैना तौर पर चीनी हुकूमत के खुफिया पुलिस स्टेशंस की मेज़बानी के इल्ज़ाम में जेर तफ्तीश हैं, कहते हैं कि वो मामूल के मुताबिक काम करते रहते हैं। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर के इन दावों की तरदीद करते हुए कि कनाडा में तमाम खुफिया स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, शहर के चाइना टाउन डिस्ट्रिक्ट और मॉन्ट्रियल के मजाफाती इलाके ब्रोसर में वाकया दो ग्रुपों का कहना है कि RCMP ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दोनों ग्रुपों ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि हमें RCMP से बंदिश की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है, हमारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि RCMP के इल्जामात की मीडिया कवरेज के बाद उन्होंने फंडिंग खो दी है। पब्लिक सेफ्टी के वजीर मार्को मैंडिचिनो ने गुज़िश्ता जुमेरात को एक पार्लिमानी कमेटी को बताया कि RCMP ने नाम निहाद पुलिस स्टेशन को बंद करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई की है। RCMP का कहना है कि वो अभी भी मुबैना पुलिस स्टेशन की तफ्तीश कर रही है और उसने कोई गिरफ्तारी नहीं की। मॉन्ट्रियल के इलाके के चीनी ग्रुपों ने कहा कि उन्होंने RCMP की तहकीकात में तआवुन किया है, लेकिन उनके और पुलिस के दरमियान रबता ख़त्म हो गया है। कैनेडियन हुकूमत हमला तर्ज के आतिशी असलहे पर पाबंदी की तजवीज़ दे रही है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत हमला तर्ज की आतिशी असलहे पर पाबंदी की तजवीज़ दे रही है। स्कीम के तहत हुकूमत फायर आर्म्स एक्ट के जरिए जाब्ते बनाएगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कैनेडियन मार्केट में दाखिल होने से पहले बंदूकों की सही दर्जाबंदी की जाए। ये स्कीम दिलचस्पी रखने वाले ग्रुपों और अफराद पर मुश्तमिल आतिशी असलहे की मशावरती कमेटी को बहाल करने का भी इरादा रखती है, जो अब मार्केट में मौजूद बंदूकों की दर्जाबंदी के बारे में सिफारिशात पेश करेगी। ये ऐलान ट्रूडो हुकूमत की जानिब से बंदूकों तक रसाई को महदूद करने की ताज़ा तरीन कोशिशें हैं, जो लिबरल्स के बकौल शिकार या खेलों की शूटिंग के लिए ना अहम है। लिबरल्स ने फरवरी में बंदूक के बिल में तरमीम को वापस ले लिया था, जिसमें कानून में मुख्तलिफ मॉडल्स को
हमला तर्ज के आतिशी हथियारों पर पाबंदी के तहत आने का हुक्म दिया गया था। हुकूमत ने ये इकदाम कंजर्वेटिव एमपीज और कुछ आतिशी हथियारों के हामियों की जानिब से हफ्तों की तनकीद के बाद उठाया, जिन्होंने कहा कि ये तारीफ बहुत सी आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली शिकारी राइफल्स और शॉर्ट गन्स को ममनू करार देगी। बंदूक पर काबू पाने के हामियों ने कहा कि ये कोशिश मुबीन जबान और मुखालफीन के गुमराह कुन या गलत दावों की वजह से छाई हुई थी। नई मुजवजा तारीफ में ऐसे हथियारों का अहाता किया जाएगा जो नीम खुदकार तरीके से फायर करते हैं और असल में 5 से ज्यादा राउंड वाले मैगजीन को कबूल करने के लिए डिजाइन किए गए थे। दो कैनेडियन यूक्रेन के शदीद कशीदा सूरत हाल वाले शहर बाखमूत के इर्द गिर्द कार्रवाई में मारे गए हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दो कैनेडियंस यूक्रेन के शदीद कशीदा सूरत हाल वाले शहर बाखमूत के इर्द गिर्द कार्रवाई में मारे गए हैं। उनमें से एक ने अपनी मौत से कबल मुकामी मीडिया को बताया कि वहां सूरत हाल हद से ज्यादा खराब है। कैलिगरी के 27 साल कॉल पोर्टर और सेनेट कैथरीन्स ऑनटेरियो के 21 साल कॉल जेलिंग को दोनों यूक्रेन के बैन अल-अक़वामी लश्कर के साथ खिदमत अंजाम दे रहे थे, जो 92 मेकनाइज्ड ब्रिगेड से मुंसलिक था। ये यूनिट एक पुरअज़म रूसी हमले के खिलाफ बाखमूत पर कब्जे के लिए यूक्रेन की जबरदस्त कोशिशों का खमियाजा भुगत रही है। मशरकी डोंबास के इलाके का ये शहर जंग की तवील तरीन और खूनरेज तरीन लड़ाई का मुकाम रहा है, जहां हजारों की तादाद में दोनों तरफ से हलाकतें हुई। एक इंटरव्यू में उनके कमांडिंग ऑफिसर गैर मुल्की लश्कर के लड़ाका, जिसे दांतों का डॉक्टर कहा जाता है, ने कहा कि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे के करीब दोनों कैनेडियन फौजियों के एक बड़े ग्रुप का हिस्सा थे, जिन्हें बाखमूत में सप्लाई का एक अहम रास्ता संभालने का काम सौंपा गया था। कमांडर ने कैनेडियन चैनल को बताया कि ये यूनिट रूसी फौजियों की जानिब से शदीद तोपखाने की जद में आया। उन्होंने कहा कि पोर्टर, ज़ेलेंको और कम अज़ कम 3 दीगर यूक्रेनी फौजियों ने एक मजबूत बंकर में पनाह की कोशिश की, लेकिन बंकर को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने एक बयान में कहा कि वो दो कैनेडियनों के मारे जाने के बारे में इत्तलात से आगाह है और मजीद मालूमात के लिए हुक्काम से रابطे में है। दोनों अफराद पहले कैनेडा की मुसल्ला अफवाज में खिदमत अंजाम दे चुके थे, लेकिन यूक्रेन में लड़ने के लिए साइन अप करने से पहले ही फौज छोड़ चुके थे। उनके कमांडर ने कहा कि दोनों गहरे दोस्त बन चुके हैं। अमरीका की जानिब से दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में यूक्रेन के शहर बाखमूत में जारी लड़ाई के दौरान 20,000 से ज़ायद रूसी जंगजू हलाक हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका की जानिब से दावा किया गया है कि गुज़िश्ता 5 महीनों में यूक्रेन के शहर बाखमूत में जारी लड़ाई के दौरान 20,000 से ज़ायद रूसी जंगजू हलाक हो चुके हैं। छोटे शहर पर कब्जे के लिए लड़ाई जहां सिर्फ चंद हज़ार शहरी रह गए हैं, दोनों फरीकों के लिए बड़ी अलामती अहमियत इख्तियार कर चुकी है। गैर मुल्की खबर इस एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने नई खुफिया मालूमात का हवाला देते हुए कहा कि बाखमूत में 80,000 रूसी फौजी जख्मी भी हुए हैं, जबकि हलाक होने वालों में से निसफ का ताल्लुक वैगनर ग्रुप से है। जॉन कर्बी ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि रूस की जानिब से बाखमूत के जरिए डोंबास में हमले की कोशिश नाकाम हो गई है और रूस किसी भी अहम इलाके पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। सबसे अहम बात यह है कि महीनों की लड़ाई और गैर मामूली नुकसान के बाद रूस की जारहाना कोशिश नाकाम हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि वो यूक्रेन की हलाकतों का तखमीना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेनी मुतासरीन हैं जबकि रूस जाहरे है। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि वो इस जंग को ज्यादा से ज्यादा रूसी फौजियों को मारने और उसके जखायर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम यूक्रेन अब बाखमूत के सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर कंट्रोल रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक बाखमूत पर कब्जा रूस को डोनेस्टिक के पूरे इलाके पर कंट्रोल करने के अपने हदफ के कदरे करीब ले जाएगा। तजियाकारों का कहना है कि बाखमूत की स्ट्रेटेजिक कदर बहुत कम है, लेकिन वो रूसी कमांडरों के लिए एक मरकजी नुकता बन गया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के एक आला जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि जवाबी हमलों ने रूसी अफवाज को बाखमूत में कुछ पोजीशन से बेदखल कर दिया है, लेकिन सूरत हाल मुश्किल बनी हुई है। यूक्रेन की आर्मी के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सेरेस्की ने टेलीग्राम पर कहा कि नए रूसी यूनिट्स, जिनमें पैरा ट्रूपर्स और वैगनर के जंगजू शामिल हैं, भारी नुकसान उठाने के बावजूद मुसलसल जंग में झोंके जा रहे हैं, लेकिन दुश्मन शहर पर कब्जा करने से कासिर है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।